और वहीं जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अपनी जनसेवा संकल्प यात्रा लेकर कानपुर देहात पहुंचे। कानपुर देहात पहुंचने पर जनसत्ता दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राजा भैया और जनसेवा संकल्प यात्रा का भव्य स्वागत किया। कानपुर देहात के कई स्थानों में राजा भैया का भी भव्य स्वागत किया गया और वहीं उन्होंने कानपुर देहात में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राजा भैया ने गोरखपुर मामले पर सरकार को घेरते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही राजा भैया ने 2022 विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के साथ अभी गठबंधन नहीं होने की बात कही है। यही नहीं, राजा भैया ने जन विरोधी नीतियों पर सरकार की खिलाफत करने और जन कल्याणकारी नीतियों में सरकार के साथ रहने की बात भी कही। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में अनेक राजनीतिक दल हैं जिनका अपना अपना जनाधार है, अपनी कार्यशैली है, अपना एजेंडा है, अपना मैनिफेस्टो है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लोग का स्नेह रहा तो बिल्कुल जनसत्ता दल भी अपना स्थान अवश्य बनाए। हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMDNewsFlash।